Hello students, today we will start explaining present perfect continuous tense. Okay, now first see what will be happen in affirmative sentences. Subject plus has or have plus been plus before plus since for plus time phrase. Now see the example, it has been raining for 15 minutes. Okay, what do you understand by this sentence structure? मतलब पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हैज़ या हैव लगेगा, फिर हैज़ या हैव लगने के बाद फिर उस पर बीन लगेगा, फिर आपका मेन वर्ब में आई एन जी लगेगा, फिर उसके बाद आपका सिंस या फॉर लगेगा, उसके साथ आपका टाइम फ्रेज दिया हुआ रहेगा. नाउ सी द एग्जांपल, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 15 मिनट्स, है ना, 15 मिनट से बारिश हो रही है. कब से बारिश हो रही है? 15 मिनट्स से. आपका टाइम यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. अब आइए हम समझते हैं अच्छे से कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड हैज़ बीन इन प्रोग्रेस टिल टाइम ऑफ स्पीकिंग. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द दिस स्टेटमेंट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका प्रयुक्त होता है, ये व्यक्त करता है कि कार्य जो कि शुरू हो चुका है पास्ट में, है ना, कुछ समय पहले, कुछ घंटों पहले, है ना, कुछ दिनों पहले शुरू हो चुका है, लेकिन हैज़ बीन इन प्रोग्रेस टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग. लेकिन जब आप बता रहे हो तो उस समय वो काम भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम चल रहा है और आपका टाइम दिया हुआ रहता है कि कब से. दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपका काम चल रहा होता है, उसमें टाइम मेंशन नहीं रहता. ये डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका काम चल रहा होता है, बताते हैं जब आप, तो उसमें और उसमें प्लस टाइम भी इंक्लूड रहता है. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. यू हैव टू मेक योर 5 sentences ऑफ योर ओन ऑन द बेसिस ऑफ present perfect continuous tense according to the structure. Okay, thank you.